नीति वचन 15 अध्याय का 16 वचन। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। घबराहट का बहुत धन से परमेश्वर के साथ रह के थोड़ा ही धन रखना उत्तम है। अन्याय से पैसा को ना कमाए और जल्दीबाजी में पैसा को कमाने के लिए कोशिश नहीं करना है। गरीबों पर अत्याचार करना, उनको धोखा देना, विश्वासघात करना, भाई भाई को धोखा नहीं देना है, बहन बहन को धोखा नहीं देना है, या भाई बहन को नहीं, या बहन भाई को धोखा नहीं देना। कितने लोग जो है धोखा देके उस संपत्ति को हड़प लेते हैं, उसके चलते माँ बाप लोग कितने भाइयों जो है आंसू बहा रहे हैं। ऐसे विश्वासियों के बीच में भी ये समस्या है। यही हमारे लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए पाप के रूप में हो जाता है। लेकिन हम यही समझते हैं उस संपत्ति को हम ले लिए, वो पाप श्राप के रूप में बदल जाता है। अन्याय से कमा नहीं करना है, घूस नहीं लेना है। ये दुष्ट का दुनिया का समय है। आज घूस जो है कानून के रूप में बदल गया, इसलिए जहां परमेश्वर के लोग काम करते हैं वहां सावधान रहना जरूर जो है, आप सावधान रहना, घूस नहीं लेना है। और मैं कहना चाहता हूं, सरकार को जो कर टैक्स है उसको देना, उसमें धोखा नहीं देना है। अगर धोखा देते हैं तो परमेश्वर को धोखा देते हैं। प्रभु ने कहा था जो कैसर का है कैसर को, जो प्रभु का है प्रभु को देना है। जो सरकार को टैक्स सही ढंग से देना है, सब में विश्वास योग्य रहना है, परमेश्वर आपके हाथ के परिश्रम को सफलता देगा। क्या पाप है अन्याय के रूप में परमेश्वर से भूल के जो कमाते हैं वो पाप के रूप में हो जाते हैं। अन्याय से जो कमाते हैं, घूस लेते हैं, द्रोह करते हैं, यदि अन्याय से हम कमाई करेंगे यहीं पर अंत नहीं होगा, पीढ़ी पीढ़ी तक वो श्राप चलते आएगा। परमेश्वर के लोग ईमानदारी से काम करें, थोड़े ही कमाए लेकिन उसको ईमानदारी रखना, तो परमेश्वर आपकी छोटी सी जो आशीष है उसमें कभी भी कमी नहीं होगा। कमी आशीष है तो इसका मतलब ये है परमेश्वर चाहता इसी में आप संतुष्टि रहें। या आशीष नहीं है तो परमेश्वर उचित समय में आपको आशीष देंगे। कभी भी परमेश्वर आपको नहीं त्यागेंगे, सही वक्त पर प्रभु आपको ऊंचा करेंगे। हालेलुया हालेलुया।